हर साल फादर्स डे पिताओं के प्यार और सेक्रीफाइस को सम्मान देने के लिए जून महीने के तीसरे संडे को मनाया जाता है। इस साल ये दिन 18 जून को मनाया जाएगा, पर क्या आप जानते हैं कि इसे पहली बार कहाँ मनाया गया था और किसने मनाया था? तो चलिए जानते हैं। फादर्स डे के आइडिया का योगदान अमेरिकन महिला सोनारा स्मार्ट रोड को दिया जाता है। उन्होंने ही पहली बार फादर्स डे मनाने का सुझाव दिया था। इनके दिमाग में ये आइडिया तब आया था जब इन्होंने मदर्स डे के बारे में सुना और फिर खुद के पिता के बारे में सोचा, जिन्होंने इनकी माँ की मृत्यु के बाद अकेले 6 बच्चों को पाला पोषा था। पहली बार फादर्स डे कब मनाया गया था इसको लेकर वैसे तो कई कहानियाँ हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध ये है कि पहली बार फादर्स डे का ऑफिशियल सेलिब्रेशन 1910 में 19 जून को वॉशिंगटन के स्पोकन में हुआ था। कैसे करें अपने पिता के साथ रिश्ता मजबूत? फादर्स डे के दिन आपके पिता के साथ बैठकर आप अपनी लाइफ और उनकी लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं। इससे आपकी रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगी और एक दूसरे की लाइफ के बारे में आपको आइडिया लगेगा। कई बार ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं जिनके बारे में आप और आपके पिता बात नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके रिश्ते के बीच अटक रहे होते हैं। ऐसे में अगर आप एक साथ समय बिताएंगे और एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो सकता है। आप जब सेटल हो रहे होते हैं तब आपके पिता आपको हर तरह से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इमोशनली हो या फिर फाइनेंशियली। इसलिए जब आप सेटल हो जाते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनका कंधा बनकर हर तरह से अपने पिता को सपोर्ट करें।